सबसे पहले बहुत खुशी हो रही है कि अपने गुरु जी के लिए भजन का एल्बम कंपोज करने का मौका मिला. सो आई हैव कंपोज्ड 8 सॉन्ग्स फॉर दिस एल्बम और देवयानी जी का एल्बम है. शी संग वेरी वेरी वेल, शी संग ऑल द कंपोजिशंस वेरी वेल और सुभाष जैन अजल ने बहुत अच्छे से लिखा है इसमें. आर्ट बहुत खूबसूरत भजन है और सब अलग अलग भजन है. मैंने कंपोज किया है कि हर एक भजन का अलग कलर रहे, अलग राग में, और सब इंटरेस्टिंग भजन हैं. म्यूजिक अरेंजमेंट पीयूष पवार जी का है. ब्यूटीफुल म्यूजिक अरेंजमेंट वर्क एज वेल. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कृष्णा एल्बम. एल्बम बहुत सारे आते हैं लेकिन आई होप दैट दिस एल्बम इज वेल एक्सेप्टेड और लोग उसको पसंद करें और खूब सुने. इसमें देखिए ठहराव वाले भजन भी है. एक क्लासिकल राग लेके एक भजन कंपोज किया है. फाज भजन भी है. एक भजन तो ऐसा है कि फिल्म में भी आ सकता है, ऐसे भजन है. तो कोशिश यही है कि हर तरह के भजन हम लोगों ने इसमें इस एल्बम में किया है हम लोगों ने. और तो आशा है कि सबको पसंद आए. वो कोई हारमोनियम अलग बज रहा है. एक्सक्यूज मी देवेन जी, एक सेकंड. हारमोनियम में गा दो. देवेन जी कौन, एक सेकंड. एक भजन इसमें है, मुझे बहुत प्रिय है भजन, राग यमन में है. अंतर मन में जप ले प्राणी हरि 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 का नाम रे. अंतर मन में जप ले प्राणी हरि 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 का नाम रे. बाकी सब आप भजन एल्बम में सुनिए. थैंक यू सो मच. हाँ क्या बोलूँ, बताइए क्या क्या थॉट दिमाग में रखे आपने अरेंज किए. एक्चुअली ये जो म्यूजिक है इसका कुछ नए टाइप का म्यूजिक है. रेगुलर जैसा म्यूजिक होता है उस टाइप का नहीं. ये जुबिन मेहता जो कंपोज करते हैं लंदन फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा, उसी का कुछ टाइप मैंने बना के दिया है. तो बड़ा मज़ा आया काम का. और मैं अनूप जलोटा जी के साथ में संतूर बजाता हूँ पिछले 20-25 साल से, लेकिन सुमित जी ने मुझे इस लायक समझा कि भाई आप कुछ दादा बनाइए. तो मैंने उसमें फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा टाइप का एक म्यूजिक बना करके नया बनाने की कोशिश की है. वो कितना बना वो तो पब्लिक को पसंद आने में मजा आएगा, लेकिन बड़ा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा. एल्बम का नाम क्या है? पूजा श्याम पिया. श्याम पिया और देवयानी. सर सबसे पहले बताइए कि अंदाज तो आपका हमेशा से निराला रहा है, तो इस बार क्या देखने को अंदाज निराला मिलेगा? एक हमारा भजन है जो हम अक्सर प्रोग्राम में गाते हैं, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया. लोग हमेशा फरमाइश करते हैं, हम उसको सुनाते हैं. तो उसमें से निकला ये शाम पिया. ये एल्बम है शाम पिया, मैंने और देवयानी ने गाया है. देवयानी का गाना सुन के मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इतनी टैलेंटेड, इतनी सुरीली, इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा रेंज है. तो मैंने कहा साथ में एल्बम बनेगा और हम दोनों ने गाया. इसमें मेरे ही स्टूडेंट हैं सुमी टप्पू, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने इसमें म्यूजिक दी है. और हमारे साथ संतूर बजाते रहे हैं बरसों से, उन्होंने पीयूष पवार जी ने इसमें म्यूजिक अरेंजमेंट किया. तो सब मिला जुला के एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बन गई. जब शब्द अच्छे हों, जो हमारे अजल जी ने लिखे हैं, शब्द अच्छे हों, साथ में संगीत अच्छी बनाई गई हो, अच्छे अरेंजर हों, अच्छी तरह गाया जाए, तो सब मिला जुला के जब कोई चीज़ बनती है बहुत अच्छी बनती है. और ये शाम पिया उन्हीं में से एक एल्बम है. इसको सुनिए और इसका आनंद लीजिए. सर आपके दिल के बड़े करीब कौन सा है, जो काफ़ी अच्छे अच्छे भजन है इसके अंदर? इसमें जो टाइटल सॉन्ग है वो मुझे बहुत पसंद आया.
और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो गाने होते हैं वो लोग गुनगुनाते हैं, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। जब गाने मुश्किल ना हो, सरल हो, तो लोग उसको गुनगुनाने लगते हैं। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि घर घर ये भजन पहुँचे और लोग इसे गाएं। ओके सर, अब कौन कौन सी एल्बम आने वाली है? अभी तो शुरुआत से, अभी तो एक बड़ी कमाल की एल्बम आ रही है। उस एल्बम का नाम है वी लव यू जगजीत। जगजीत सिंह के 9 गाने हम 9 सिंगर्स ने गाए, जिसमें मैं हूँ, सुखविंदर हैं, सुमित हैं, शान हैं, चंदन दास हैं, ऋचा शर्मा, जसविंदर नरूला, ऐसे ऐसे सिंगर सब चुन चुन के आए हैं। सब ने मिल के 9 गाने गाए हैं और वो 9 गाने इतने कमाल के बने हैं, आप जब वो सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी पेशकश है वो है वी लव यू जगजीत। थैंक यू।